प्रधानमंत्री मोदी की रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को पहाड़ों की रानी मसूरी में भी सुना गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से सुना। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में पीएम ने कहा कि एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार रहता है। ये कार्यक्रम हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ता है। वहीं इस अवसर पर बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने लोगों को सम्मानित भी किया और कहा कि स्वच्छता, स्वयं सहायता और रोजगार को लेकर कि इस तरह से हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके, ऐसी बातों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकाश डाला है। आज जैसे कि आपको पता है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी समय समय पर जनसंवाद करते हैं, जो कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है। आज भी उन्होंने अपने कार्यक्रम में स्वच्छता के ऊपर, स्वयं सहायता समूह के ऊपर, रोजगार को लेकर किस तरीके से इंसान को आत्मनिर्भर बनाना है, ऐसी बातों के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है, मार्गदर्शन किया है। तो हम उनका आभार करते हैं, उनको सुनना हमारे लिए सौभाग्य है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।